खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में 14वां वित्त वर्ष विकास कार्यों के तहत 4 मोहल्लों में सुंदरीकरण व इंटरलॉकिंग उद्घाटन किया गया। प्रयागराज की महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने किया है। वैष्णवी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए कार्य की सराहना स्थानीय मोहल्लों की महिलाओं ने की है। ये विकास कार्य हुए हैं, 14वां वित्त हमारा है जो, उससे ये विकास कार्य हुआ है। एक साउथ मलाका में रोड बनी है आजाद नगर में, एक साउथ मलाका में, एक मलाक राज में, और तीनों रोडें जो है वो 14वां वित्त से, एक पार्षद कोटे की रोड है। और कोशिश है कि हम जो विकास कार्य कर रहे हैं वो जनता के हित में हो। जहाँ बहुत साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, जहाँ कच्ची रोडें हैं वहाँ पक्की कराने का काम हो रहा है, क्योंकि शहर स्मार्ट हो रहा है तो हमारी गलियाँ भी सभी स्मार्ट की तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसी परिप्रेक्ष्य में ये काम हो रहे हैं। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश में विकास की धारा बहा रहे हैं, उस तरह हम सब भी अपने सोच रहे हैं कि जिस भी क्षेत्र से हैं हम भी वहाँ विकास की धारा बहाएं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुँचाएं। जो लोग सड़कों को खोद देते हैं उनके लिए भी कुछ कार्रवाई होगी? बनी सड़कों को खोद देते हैं, बनी सड़कों को कुछ विभागों द्वारा खोया जा रहा है, खोदा जा रहा है, तो एनओसी ली गई है उनके द्वारा। जहां एनओसी नहीं ली जाती वहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाती है, और शासन का दिशा निर्देश है कि जो भी सड़क खोदेगा वही विभाग बनाएगा, तो उसमें उनसे काम भी लिया जाता है। अगर वो कोई पाइपलाइन या सीवर लाइन डाल रहे हैं तो उतनी रोड बनाने का भी उनका ही दायित्व है।